बच्चों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो प्रोजेक्ट दिया गया है वो कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको अपनी फाइल के पेज पे टाइटल डाल देना है, यहाँ पे नेम डालना है अपना, क्लास सेक्शन में अपना क्लास और सेक्शन, जैसे थर्ड ए थर्ड बी जो भी आपका सेक्शन होगा, टॉपिक जो भी आपको टॉपिक मिला गया है। जैसे मैं इसमें जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कैलेंडर, CALENDAR, कैलेंडर टाइम इवेंट इनसे रिलेटेड। देखिए सबसे पहले हम एक्नॉलेजमेंट बनाएंगे कि हमारे प्रोजेक्ट कौन बनवा रहा है और हमने किस 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 हेल्प से बनाया। इसमें लिखेंगे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर्स, अपने टीचर का नाम लिख देंगे, हर्षित मांगलिक एंड महेंद्र सिंह कठेरिया सर, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं जो भी आपके टीचर्स हैं, हु गिव मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक। यहाँ टॉपिक का नाम लिख देंगे, जो भी टॉपिक आपने लिया है, ठीक है, कैलेंडर है, टाइम है, जो भी टॉपिक है यहाँ लिख देंगे। विच ऑल्सो हेल्प मी इन डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई कैन टू नो अबाउट सो मेनी न्यू थिंग्स, देन आई एम रियली थैंकफुल टू देम। यहाँ पे टू देम एक साथ किया जाएगा, थोड़ा गैप हो गया। सेकंडली आई वुड लाइक ऑल्सो लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स हु हेल्प मी अ लॉट इन फाइनलाइजिंग दिस प्रोजेक्ट विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम। ये हम एक पेज लगा लेंगे, ये सब हमें वर्क करना है फाइल में, ये सब फाइल वर्क बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। आपको फाइल पेपर ले लेने, एक साइड से लाइन वाले, एक साइड ब्लैंक वाले, और एक पेज पे एक ही चीज लिखनी है। फिर एक आप प्रोजेक्ट बना लेंगे एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है ये जो प्रोजेक्ट है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो हमने लिखा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो रिलेटेड है टाइम से, तो आप इसमें ये उतार देंगे, दिस प्रोजेक्ट इज ऑन टाइम एंड इट इज मेड टू डेवलप अ सेंस ऑफ वैल्यू ऑफ टाइम, इट विल हेल्प अस टू लर्न अबाउट वेरियस फेस्टिवल ऑफ द ईयर, इट विल मेक अ स्कीम सीकर ऑफ नॉलेज एंड बिल्ड एन स्ट्रेंथन आवर लर्निंग स्किल। उसके देखिए पहला पॉइंट आपका, स्टूडेंट विल मेक अ कैलेंडर फॉर द करंट ईयर ऑफ 2021। आप एक चार्ट पेपर पे या फिर किसी भी तरह से, मतलब आप कार्डबोर्ड पे चार्ट पेपर पे कैलेंडर बनाएंगे। कैलेंडर वो टेबल कैलेंडर हो सकता है, कैलेंडर वो टांगने वाला कैलेंडर हो सकता है, जैसे मैंने एक रफ कैलेंडर बना लिया है, आप भी एक कैलेंडर इस तरह से बनाएंगे चार्ट पेपर पे, वो अलग से सबमिट करेंगे। उसके बाद उसमें फर्स्ट टॉपिक है लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मंडेज एंड संडेज, मंथ के नाम लिख देंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और कितने मंडे हैं कितने संडे हैं ये हमने टेबुलर फॉर्म में दे दिया है, ये आप भी बना देंगे। नेक्स्ट सर्च द टेबल ऑफ टू एंड थ्री इन द कैलेंडर एंड सर्कल द रेड कलर इन द टेबल ऑफ टू एंड ग्रीन कलर इन द टेबल ऑफ थ्री। देखिए हर मंथ में जो आपने कैलेंडर बनाया है, जो भी आपने कैलेंडर ड्रॉ किया है, उसमें जो जहां पर टू का टेबल है उसको तो आप रेड कलर से बना देंगे, और जो थ्री का टेबल है उसको ग्रीन कलर से आप कर देंगे सर्कल, उसको ग्रीन कलर, ठीक। तो देखिए मैंने कर दिया, जैसे जनवरी ऐसे आप फरवरी का मार्च का अप्रैल का सारे कर लेंगे, टू के टेबल को रेड कलर से, टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स इस तरह से, और थ्री के टेबल को ग्रीन कलर से, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर अगला टॉपिक आपसे कहा गया 12 माह के नाम हिंदी में, तो पहला चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठा भाद्रपद, सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां माघशीर्ष, दसवां पौष, ग्यारहवां माघ, बारहवां फाल्गुन, ये मंथ नेम हम हिंदी में दे देंगे। फिर है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल इन ईच मंथ, ये मैंने आपके लिए बना दी है, जनवरी में कौन से फेस्टिवल है, फेब में कौन से है, मार्च में कौन से है, अप्रैल में कौन से है, ये आप बनाएंगे, मई जून जुलाई, जून में कोई नहीं है, जुलाई अगस्त, फिर उसके बाद सेप्टेम्बर अक्टूबर, फिर नवंबर और दिसंबर जो उसमें फेस्टिवल्स हैं। फिर है मेरा जन्मदिन और मनाने का तरीका, फिर आप ये हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट पेज पे, मेरा जन्मदिन और मनाने का तरीका। आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ टॉफियां बांटता हूँ, या फिर अपने घर में केक काटते हैं, मेरे अपने बड़े दादाजी से दादी से आशीर्वाद लेता हूँ, मम्मी पापा से उठकर आशीर्वाद लेता हूँ, तो जिस जिस तरीके से आप अपना जन्मदिन मनाते हैं वो आप यहाँ पर पूरी डिटेल में लिख देंगे हिंदी में, ठीक। फिर माई फेवरेट फेस्टिवल, आप किसी भी एक फेस्टिवल के बारे में कोई भी फेस्टिवल पिक कर लीजिए, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ठीक है, क्रिसमस, जो भी, मतलब एनी फेस्टिवल, और उसके बारे में यहां पर आप कई सारी लाइनें लिख देंगे इंग्लिश में कि वो फेस्टिवल क्या है आपकी लाइफ में, आप कैसे उसको सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन आता है, सब चीज आप उसका बनाने का तरीका क्या है वो सब आप यहां पर लिख देंगे पॉइंट वाइज, एक पेज पे, एक पेज दो पेज जितना भी आप लिखना चाहें। फिर नेक्स्ट पेज लिख लेंगे लोकगीत लिखेंगे,
लोकगीत क्या होता है, ये सर्च कर लेना गूगल पे, जो भी आप फेस्टिवल लेंगे उससे रिलेटेड कोई भी लोकगीत, शादी से रिलेटेड कोई भी लोकगीत, जो भी आपके घर में आपकी मम्मी पापा मम्मी बहने जो भी किसी फंक्शन पे वो गीत गाती हैं, जैसे किसी के बच्चा हो जाता है, शादी होती है, तब गीत घर में वाले गाने गा देते हैं वो वाले गाने, तो कोई भी गाना आप लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद फेवरेट रेसिपी विच इज प्रिपेयर्ड इन द फेस्टिवल, जब आपके यहाँ फेस्टिवल होता है तो हम कुछ मिठाइयाँ कुछ अलग अलग तरह की डिशेज बनाते हैं, तो कोई भी एक डिश या कोई भी एक मिठाई को बनाने का तरीका आप यहाँ पर लिख देंगे, ये हिंदी या इंग्लिश कैसे भी हो सकता है, ठीक है, ये डिश आप हिंदी या इंग्लिश में कैसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। कोई भी आप रेसिपी, कोई भी एक रेसिपी, जैसे मान के चलिए हमने लिख दिया गुंजिया बनाने की विधि, एकदम आप लिख, जैसे हम होली पर गुंजिया बनाते हैं तो आप यहाँ पर उसको बनाने की पूरा एक विधि लिख देंगे, ठीक। उसके बाद मेक अ कोलाज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे एंड ड्रॉ एंड कलर द एक्टिविटीज ऑल्सो। जैसे मैंने होली ली है तो आपको क्या करना है, अलग अलग ड्रॉइंग बनानी है उस पर्टिकुलर डे से रिलेटेड, आप कोई भी डे ले सकते हैं, आप 15 अगस्त ले सकते हैं, उससे रिलेटेड फिर अलग अलग ड्रॉइंग बनानी है, फोटोज निकाल के आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने होली ली है तो होली के 4 फोटो लगा दिए, ऐसे आपको भी कई सारी फोटो फोटो ड्रॉइंग पिक्चर्स उस डे से रिलेटेड लगानी है। मान चलिए आपने 15 अगस्त लगाया तो आप फ्लैग होस्टिंग लगाएंगे फिर उसमें, अगर मैंने लगाया होली तो मैं कलर वाला लगाऊंगा, अगर मैंने दीपावली लगाया तो मैं लाइट लैंप लगाऊंगा, लैंप कैसे जलाते हैं, दिए कैसे जलाते हैं वो लगाऊंगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको ये सब चीज बनाना है और फिर आपकी फाइल पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।